गाइस, अगर सैटरडे और संडे ऑफ रहा कंपनी का तो किसका मन नहीं करता बाहर घूमने का। इसीलिए हमने गूगल मैप खोला और हम निकल पड़े 12 ज्योतिर्लिंगों से एक ज्योतिर्लिंग परळी वैद्यनाथ, जो कि महाराष्ट्र में स्थित बीड जिले में है। हेलो गाइस, मैं हूं प्रसाद और आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल ट्रैवलिंग नाना में। दोस्तों, आज मैं निकल चुका हूं महाराष्ट्र में स्थित बीड जिले में परळी वैद्यनाथ। जी हां, आपने ठीक सुना, परळी वैद्यनाथ जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। जी हां, आज मैं वहीं पर आया हूँ। इस जगह पर आने के लिए आपको हैदराबाद से डेली ट्रेन मिलेगी, उसका नंबर है 17253, जो कि रात को 8 बजे यहाँ से हैदराबाद से निकलती है और मॉर्निंग 6 to 7 o'clock आपको परळी वैद्यनाथ में निकाल देती है। आज मेरे साथ इस ट्रिप में है महेश, जो कि एक ट्रैवलर है, उसे भी घूमना पसंद है और आज मुझे गाइड करेगा कि ये परळी कैसा है। तो चलिए देखते हैं कैसा है ये परळी, तब तक देखेंगे अभी। चलो, हर हर महादेव। दोस्तों, ट्रेन से उतरते ही हमारा वेलकम किया परळी में इन खूबसूरत बादलों ने। एक अलग ही खूबसूरत सा नज़ारा था और इससे भी अच्छा स्टेशन पे लगी हुई छत्रपति शिवाजी महाराज की यह प्रतिमा काफ़ी खूबसूरत थी। दोस्तों, त्रिवेणी लॉज जो कि स्टेशन के आउटसाइड ही है, काफ़ी रिजनेबल रेट में उन्होंने हमें क्लीन, अच्छा, ठीक ठाक सा रूम दे दिया। आप भी प्रेफर कर सकते हो इसे। इसके बाद हम निकल चुके हमारी पेट पूजा करने। त्रिवेणी लॉज के बाजू में ही ठीक होटल सूर्य प्रकाश है, जहाँ पे हमने हमारा पेट भर के नाश्ता कर लिया। गर्मा गर्म पोहे, समोसा और इसके बाद हमने खाया वहाँ का स्पेशल कलाकंद। और इसी के साथ सबसे आखिर लेकिन लास्ट बट लिस्ट और चाय। चाय के अलावा सब कुछ फीका है यार। अब पेट पूजा हो गई तो चलो देव पूजा भी कर लेते हैं। इसीलिए हम निकल चुके हैं शेयरिंग ऑटो लेके मंदिर की ओर। तकरीबन 10 या 20 रुपए लेते हैं वो ऑटो वाले। थोड़ा आगे ही जाते ऑटो वाले अंकल ने हमें स्वच्छ भारत की याद दिला दी। ऑटो वाले ने हमें मंदिर के बाहर ठीक छोड़ दिया। ऑटो से उतरते ही मंदिर के बाहर एक लड़का खड़ा था जो तिलक लगाने का काम कर रहा था। हमने भी तिलक लगा लिया, इसी बहाने वीडियो भी बना लिया। जब तक मैं तिलक लगाता हूँ, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। मंदिर के ठीक बाहर आपको आपका लगेज रखने के लिए लॉकर की सुविधा मिल जाएगी, जो कि पर पर्सन 10 रुपये मिल जाएगा। मंदिर का एक खूबसूरत नज़ारा देखते हुए हम मंदिर की ओर निकल चुके हैं। मंदिर के बाहर ये काफ़ी खूबसूरत से स्टॉल्स लगे हुए थे और इनमें लगी हुई ये चीज़ें काफ़ी खूबसूरत सी लग रही थी, तो हमसे भी कहा ठहरा जाता है। हमने भी हमारी पसंदीदा चीज़ यहाँ से खरीद ही ली। कहा जाता है इस मंदिर का निर्माण देवगिरी के यादवों के समय हुआ था और समय के चलते हुए इस मंदिर का जीर्णोद्धार पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर जी ने किया था। दोस्तों, इस मंदिर की खासियत आप अपने खुद हाथों से यहाँ पे अभिषेक करवा सकते हो। मैंने खुद यहाँ पे अभिषेक किया। मंदिर में काफ़ी खूबसूरत तस्वीरें लगाई हुई थी। आप देख सकते हो मंदिर का अंदर का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है। और सबसे अलग बात, इस मंदिर के बाहर 3 नंदी थे, जो कि कुछ अलग सा था।
मंदिर के ही बाजू में श्री नागेश्वर महाराज का ये खूबसूरत सा मंदिर है, आप यहाँ पे ज़रूर जाइए। इसके बाद हम आ चुके अहिल्याबाई होलकर इनका ये स्टैचू की तरफ। इन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। गांव वालों ने हमें बताया कि मंदिर के एग्जैक्ट पीछे श्री हनुमान जी का मंदिर है। काफ़ी खूबसूरत सा मंदिर था जो कि एक पेड़ के नीचे था, और इसी को लग के यहाँ पे एक पानी का तालाब था। पानी के तालाब की तरफ जाते हुए हमें ये वृंदावन दिखाई दिया, काफ़ी खूबसूरत सा था। और ये दोस्तों परली वैद्यनाथ के तो दर्शन तो हो चुके थे, तो अब करें क्या? तो गाँव वाले ने बताया अंबेजोगाई जो कि आपके से आधे घंटे की दूरी पे है, वहाँ का मंदिर बड़ा फेमस है। तो हम निकल चुके उस मंदिर के। यूँ ही वीडियो निकालते निकालते मेरी नज़र इस पवन चक्की पे चली, काफ़ी यूनिक सी थी। अंबेजोगाई पहुँचते ही हमें ये नज़ारा दिखाने मिला जो कि बस स्टैंड पे ही दिखाई दिया। उसके बाद हम मंदिर की ओर पैदल निकल चुके। काफ़ी खूबसूरत सा इसका एंट्री गेट था। मंदिर के अंदर आते ही हमें दर्शन हुए माता अंबेजोगाई जी के, जो कि काफ़ी खूबसूरत सी मूर्ति थी। ये मंदिर काफ़ी पुराना है, आप देख सकते हो पूरे पत्थरों से ये बना हुआ है। मंदिर का ये तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और ज़रूरी से ज़रूरी बात तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। ओके, टेक केयर।